welcome to get academy plus so today in this lecture of power system we are going to continue our discussion on the underground cable before this in the previous lectures we have discussed a lot about underground cable how does the formation of capacitance takes place between the core to core and core to sheath? We have also derived an expression for the capacitance of the cable, electric field intensity at any distance X in case of the watt cable. Similarly, we have discussed the con discussed the condition for the economical size of diameter of the cable. Now, in this particular lecture, we are going to discuss about capacitance grading. So, up heading capacitance grading heading capacitance grading. Deke? आप अपना जो केबल का जो नॉर्मल अपन जो डायग्राम बनाते थे तो केबल का डायग्राम बना लीजिएगा किस तरीके से सपोज मेरे पास क्या है एक कंडक्टर है ठीक है सिमिलरली उसके ऊपर मैंने क्या ना एक ऐसा लेयर बनाया है कंडक्टर के ऊपर मैंने एक लेयर लगाया है किसी मटेरियल ठीक है ऐसे इंसुलेटिंग सर्विंग बडिंग वगैरह अपन जो करते थे ऐसे अलग-अलग लेयर अपन उसके ऊपर लगाते थे सिमिलरली एक कोई नया लेयर है और सिमिलरली उसके ऊपर कोई एक बाहर का एक, फोर्थ लेयर मैंने ऐसे लगा रखे है ठीक है इस तरीके के मैंने लेयर उसके ऊपर लगा रखे हैं ठीक है भाई इस तरीके से ठीक है इस तरीके की लेयर मैंने उसके ऊपर लगाए अब आप देखिएगा जो आपके पास जो मेन कंडक्टर होगा क्या बोल रहा हूँ मैं जो मेन कंडक्टर है इसकी रेडियस क्या होगी मेन कंडक्टर मतलब क्या कोर के जिसमें से अपन को कंडक्टर मतलब जो विच इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ठीक है ये आपके पास कोर है उसका जो रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर उसके बाद ये जो पहला जो लेयर होगा उसकी जो रेडियस है उसको मैं बोल रहा हूँ आर वन उसके बाद जो दूसरा रेडियस बनेगा यहाँ से मैं उसको बोल रहा हूँ और जो लास्ट सरफेस तक जो रेडियस आएगा आपके पास वो आएगा आपके पास लास्ट लेयर तक वो होगा आपके पास कैपिटल आर इस तरीके से ठीक है इस तरीके से उसका लेयर होगा देखिए इसके पहले जब मैंने डिस्कस किया था तो, तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फिलेंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस एक्स उसका जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था फॉर सिलेंड्रिकल

एट एनी डिस्टेंस एक्स एट एनी डिस्टेंस एक्स इज गिवन बायन बाय कैसे दिखाते अपन उसको इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस एक्स इज गिवन to what? E is equals to Q upon अपॉन pi epsilon एप्सोलॉन epsilon r into what x? एक्स या डायरेक्टली aisa ऐसा भी ले सकते कि q upon 2 pi epsilon into what x? होल्ड पर मीटर इस तरीके से अपन उसको दिखाते थे ठीक है भाई तो इसके पहले ने डिस्कस किया था तो मैंने उस आपको बताया था कि जो आपके पास ई e होता है बेसिकली ई इजोस टू वॉट क्यू अपॉन टू पाई वॉट अगर मैं उसको ऐसा लिख दू इंट वॉट वन अपॉन वॉट एक्स इस तरीके से लिख दो तो और थोड़ा अगर मैं उसको और मॉडिफाई करूं तो यहां से मतलब इसके पहले अपन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें अपन को एक बत, बात पता चलेगी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाट एक्स यहां से अपन ने क्या पता किया था ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाट एक्स ये अपन ने पता किया था यहां से ठीक है लेकिन अभी क्या करूँगा ना मैं यहां पे जो आपके पास जो दो लेयर के बीच में जो डायलेट्रिक रखा जाएगा उसकी परमिटिविटी जो होगी ना वो भी यहां पे मैटर करने वाली है अभी के जो लेक्चर अपन आज को जो डिस्कस करेंगे उसमें जो क्योंकि इसके पहले के जो लेक्चर्स अपने डिस्कस किए थे उसमें मैंने परमिटिविटी बिटवीन द लेयर्स उसका ज्यादा रोल मैंने आपको दिखाया नहीं था तो उससे अपन मान के चलते थे कि

डिराइव करके दी थी और मैंने इसके लिए भी आपको कंडीशन डिराइव करके दी थी कि वो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है कि पे, आप, पे आपके पास फील्ड इंटेंसिटी मिनिमम होगी तो देखिए आपने बोला था कि e will be maximum when X will be minimum क्या लिखा था आपने मैक्स इज पॉसिबल ऑनली वन एक्स इज वॉट मिनिमम क्योंकि स्मॉल आर क्योंकि देखिए आपने अगर दोनों के बीच में लेर प्लेस कर दी दो केबल्स है या जो भी कोई आपके पास कंडक्टर है उसके बाद लेर लगाने तो उसकी जो रेडी होगी तो कॉन्टेंट हो जाएगी ठीक है वो अगर कॉन्स्टेंट हो जाए तो मुझे बात मिलेगी वोल्टेज कॉन्स्ट और यह भी कॉन्टेंट है तो कॉन्स्ट क्या नहीं है यहाँ पे एक्स होगा क्योंकि एक्स तो एक आर्बिटरी पॉइंट है जहां पर मैं देखूंगा वहां पर मुझे क्या मिलेगा हर एक जगह पर मुझे अलग अलग इलेक्ट्रफल इंटेंसिटी मिलेगा अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा एक्स अगर वो चेंज होती जाएगा तो उसके इलेक्ट्रीफल इंटेंसिटी भी क्या होगी चेंज होती जाएगी

R में हो है तो देखिए आर वन कैसे स्मॉल है उसके बाद आर वन थोड़ा बड़ा है उसके बाद आर टू तो तो बढ़ा है सबसे बड़ा है मेरे पास क्या बड़ा है मतलब किसकी वैल्यू बढ़ी है आर की वैल्यू बढ़ी है तो मतलब क्या जो आउटर रेडियस हो क्या सबसे बड़ी रेडियस देखने के लिए मतलब

v अपॉन what x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल x की वैल्यू क्या होगी r r के बराबर हो जाएगी आर इस तरीके से होगी भाई आपके पास इसके वैल्यू ठीक e e e है ये होगा आपके पास की वैल्यू ये ई मैक्स क्यों क्योंकि एक्स की वैल्यू कैसे मिनिमम है और एक्स की वैल्यू मिनिमम कितना स्मॉल आर के बराबर है और ए जो एक्स मैक्स आएगा वो किसके बराबर होगा एक्स मैक्स विल भी कैपिटल आर के बराबर होगा किसके बराबर होगा कैपिटल आर के बराबर होगा अब आप कुछ सोच के देखेगा आप में से कुछ लोग ये शायद सोच भी रहे होंगे कि सर जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी आ रही है वो मैक्सिमम कहां पे आ रही है सर वो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी तो यहाँ पे आ रही है ये यह तो यहाँ पे आ रही है मतलब कि कंडक्टर के सर्फेस पे आ रही है और मिनिमम कहां पे आ रही है वो तो छीत पे आ रही है

तो लेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैसे होती जा रही कम होती जा रही तो आप मुझे एक बात बोलिएगा क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर वो ज्यादा हो जाए उसके मैग्नेट्यूड अगर ज्यादा हो जाए एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाए तो आपको लगता नहीं कि जो उन दोनों के बीच में जो लेयर्स है उन लेयर्स के बीच में जो मैंने डायलेक्ट्रिक रखा है, रखा है उस का क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा उस डायलेक्ट्रिक का क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन हो जाएगा भाई ये तो क्या कर देगा अगर ब्रेकडाउन होगा तो मतलब खेली खत्म हो जाएगा लीकेज करंट वहां से फ्लोना स्टार्ट कर देगी ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई ऐसा होना नहीं चाहिए तो उसके लिए अपन को कोई कंडीशन डिराइव करने पड़ेगी कि जिसकी हेल्प से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इतना ही रखें इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस वहां पर इतना ही जनरेट हो उतना ही क्रिएट हो कि जिसकी वजह से क्या अपना जो डायलेक्ट्रिक वो क्या हो ब्रेक डाउन ना हो वो क्या हो ब्रेक डाउन हो इसके लिए अपन को क्या पढ़ना है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग पढ़नी है इस कैपेसिटेंस ग्रेडिंग की हेल्प से अपन क्या करेंगे अपन ऐसे दो कंडीशन डिराइव कर लेंगे कि जिस कंडीशन से हेल्प जिस कंडीशन की हेल्प से अपन इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेसेस वहां पर क्रिएट होंगे उनको अपन क्या कर पाएंगे लिमिट कर पाएंगे क्या कर पाएंगे लिमिट कर पाएंगे बात समझ में आएगी मेरी ठीक है तो अपन देखते हैं भाई कि जो अपन उसको लिमिट करने का जो तरीका है किस तरीके से करते हैं सबसे पहले देखिए एक बात ये लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको अपन क्या लिखते हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट या yeah, आप उसको क्या लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस क्या लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस तीनों में से कोई भी टर्म आप उसके लिए यूज कर सकते हो ठीक है भाई ई इज इक्वल्स टू वॉट ए क्या होता है क्यू अपॉन टू पाई एप्सोलॉन इन टू वट एक्स होल्ड पर मीटर पर मीटर के भी मीटर जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हो ठीक है बदलते रहेगा के बीच में क्या होगा यहाँ पे कंडक्टर और एक जो पहला लेयर है इंसुलेटिंग मेटेरियल्सोलॉन वन होगा इन दोनों के बीच में टू होगा और इन दोनों के बीच में थ्री होगा एप्सोलान थ्री वॉट आर दिस आर नथिंग बट दफ द डायट्रिक विच आर प्लेसड इन बिटवीन दी कंडक्टर एंड दट इंसुलेटिंग लेयर इन बिटवीन दी इंसुलेटिंग ठीक है इस तरीके से अब मुझे एक बात बोलेगा इसमें एक बात आपको देखने के लिए मिलेगी कि सपोज जो इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेसेस जो क्रिएट हो रहे हैं या मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल जो मेरे पास वहां पे हर एक जगह पे अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है अगर इसको मैंने लिमिट नहीं किया या उसके बारे में मैंने सोचा नहीं तो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैंने उसके बारे में सोचा नहीं तो देखिए उसके वजह से जो प्रॉब्लम हो सकता है पहले अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर द द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ठीक है तो देखिए लिखिएगा आप ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस या ड्यू टू हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट ड्यू टू हाई आपको जो लिखना सही लगे आप उस तरीके से लिख सकते ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के ज्यादा होने की वजह से क्या होगा जो आपके पास डायलेक्ट्रिक है ना उसका क्या हो सकता है ब्रेकडाउन हो सकता है ब्रेक डाउन ऑफ डायलेक्ट्रिक मेट एक्सप्रेस ठीक है सबसे पहली बात क्या हो सकता है ब्रेकडाउन ऑफ डायलेक्ट्रिक मेट एक्सप्रेस ब्रेक डाउन ऑफ डाईलैक्ट्रिक में टेकप्लस ब्रेक डाउन ऑफ डाई में टेक प्लस ब्रेकडाउन ऑफ डायलेट्रिक में टेक प्लेस ठीक है उसके बाद जो दूसरा क्या हो सकता है आपके पास आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर देखिए उसमें मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते भी और वो उसमें अप्लाई भी करते लेकिन वो सही नहीं होता है वो क्यों सही नहीं होता है देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मुला क्या होता है नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंट ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ इज गिवन बाय वाट इट इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू वट ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी वी अपॉन वट डी इस तरीके से ठीक है इस तरीके से अपन उसको मेंशन करते हैं अब आप में से कुछ लोग क्या बोलेंगे सर यहाँ पे अगर जहां पे भी है ना इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो लोग क्या करते हैं ना उन दोनों के देखिए अगर ये ज्यादा हो रहा है तो क्या कर देंगे ना इसको कम नहीं करेंगे इसको क्या कर देंगे इसको बढ़ा देंगे ताकि क्या हो जाएगा ये कम हो जाएगा मतलब जो ज्यादा था उसको तुम क्या कर दोगे कम कर दोगे बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस डी मतलब क्या डी को अगर आप बढ़ा दोगे तो ई e क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ई e क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अभी distance d क्या है देखिए डिस्टेंस डी इज नथिंग बट नॉट डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर और डैट अनदर लेयर और डिस्टेंस बिटवीन द वॉट लेयर इसका मतलब क्या है इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जो यहाँ पे नजर आ रहा है कि मतलब कैपिटल आर है और यहाँ पे क्या है यहाँ पे सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर वन है स्मॉल आर वन इज नथिंग बट वॉट आर और आर वन इन दोनों के बीच के डिस्टेंस वन माइनस वॉट आर तुम कह सकते हो उसको ये क्या कह सकते हो उसको

Due to increase in insulation thickness, insulation thickness, thickness, cost of insulation increases, insulation increases, which is not an इकोनॉमिकल ऑप्शन विच इज नॉट एंड वट इकोनॉमिकल ऑप्शन मतलब यार ये तो गलत है मतलब क्या आप एक मायने में सही कर रहे हैं दूसरे मायने में उसको गलत कर रहे हैं मतलब क्या अपन को ऐसा कुछ चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है अपन को मतलब मिनिमम इसमें ऐसा होना चाहिए मतलब क्या इंसुलेशन पे ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस भी अपन को क्या करना चाहिए कंट्रोल में रखना चाहिए इसके लिए अपन को देखना है अभी ठीक है तो उसके लिए हेडिंग डालेगा कपासिटी ग्रेडिंग और कपासिटीज ग्रेडिंग में आज अपन अभी डिस्कस करेंगे सेम डायग्राम जो मैंने वहां पर ड्रा किया आप यहाँ पे उसको ड्रा कर लीजिएगा क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी लिखनी पड़ेगी ठीक है भाई तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे आप डायग्राम ड्रा कर लीजिएगा ये होगा मेरे पास मेन कंडक्टर

पहला जो लेयर इन दोनों के बीच में फॉर्म होने वाला है मतलब क्या इन दोनों के बीच में जो भी कोई मैं लेयर देख रहा हूं अभी देख सकते हो आप कि इस तरीके से जो आपको देखने के लिए मिल रहा है देखिए मैं रेड पेन से उसको दिखा रहा हूँ कि यहां जो इंसुलेशन इन दोनों के बीच में मैं यहां पे पुट कर सकता हूं इन दोनों के बीच में इंसुलेशन पुट कर सकता हूं उसकी जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी सॉरी जो इंसुलेशन मैं इन दोनों के बीच में प्लेस करने वाला हूँ उसकी जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगी उस इंसुलेशन की जो डायलेट्रिक होगा उसकी जो परमिटिविटी होगी उसको मैं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा है एसोलान वन ठीक है भाई सिमिलरली जो यहां पे जो मैं अनदर डायलेक्ट्रिक प्लेस करने वाला हूं इन दोनों के बीच में उसकी जो परमिटिविटी होगी उसको मैं बोल रहा हूं एप्सोन टू उसको मैं क्या बोल रहा हूं टू पुट कर रहा हूँ उसके बाद इन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन मैं प्लेस करने वाला उसकी जो परमिटिव जो इंसुल मतलब जो डायलेक्ट्रिक में वहां पे प्लेस करो उसकी जो परमिटिविटी है मैं उसको क्या बोल रहा हूँ एप्सोलॉन थ्री उसको मैं क्या बोल रहा हूँ एप्सोलॉन थ्री ठीक है भाई तो देखिए यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है यहाँ पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है और यहाँ पे भी कैसे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ सकती है तो मैंने जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए वो क्या था मेरे पास जो जनरलाइज एक्सप्रेशन था वो क्या था ई इट इक्वल्स टू क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन इनटू व्हाट एक्स ठीक है इस तरीके से था एक्स इज नथिंग बट वट एनी आर्बिटर डिस्टेंस एट विच आई वॉन्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी मतलब क्या हर एक जगह पे जो मुझे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है अभी जो देखने के लिए मिलेगी वो अलग अलग होगी क्यों क्योंकि मैंने हर एक जगह पे जो इलेक्ट्रिक जो मतलब जो डायरेक्ट्रिक मैंने यहाँ पे यूज किया वो कैसा है उसकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैसी अलग अलग है उसकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कैसी हर एक जगह पे अलग अलग है क्यों क्योंकि उसका परमिटिविटी अलग है उसका डिस्टेंस अलग है तो बेटा मुझे एक बात बोलो जो ई e आ रहा है आपके पास ई इज वॉट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वट ई इंटू वट एप्सोलॉन इंटू वॉट एक्स क्यू अपॉन टू पाई तो कॉन्स्टेंट नंबर है इसका मतलब क्या ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉट ई इंटू वट एक्स या तुम कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सोलॉन इंटू वट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वट एक्स ऐसा मैं लिख सकता हूं बिल्कुल ठीक है तो देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहां पे देखने के लिए मिलेगी या मैं जैसा चाहता हूं उसके अकॉर्डिंग मैं उसके दो अलग अलग केसेस बना सकता हूं कैसा जो मैं पहला केस ऐसा चाहता हूं कि मुझे इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी कैसी मिले नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्म इंटेंसिटी मिले और दूसरा मैं ऐसा केसिडर करके चलता हूं और मुझे ऐसा चाहिए कि जिस केस में मुझे इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी एट एनी डिस्टेंस हर एक जगह पे मुझे कैसा मिले सेम इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी मिले तो उसके लिए मुझे क्या है ना कि उसके लिए मुझे अलग अलग केसेस कंसिडर करके उस केसेस को मुझे डिराइव करके कंडीशन पता करने की कि किस कंडीशन में मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है और किस कंडीशन में मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है तो आप पहले हेडिंग डालिएगा कंडीशन वन या केस वन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है भाई तो देखिए मैं केस वन कंसिडर कर रहा हूँ भाई क्या बोल रहा हूं मैं केस वन कंसिडर कर रहा हूं और उस केस में मैं क्या करने हूं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और आई कैन से वॉट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस या नॉन यूनिफॉर्म पोटेंशियल वाट एव यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट ठीक है भाई केस वन में मैं लिख रहा हूं नॉन यूनिफॉर्म क्या बोल रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अगर मुझे चाहिए

बीच में मिनिमम क्या हो सकता है R हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है आर वन हो सकता है तो मुझे तो मैक्सिमम चाहिए इसके लिए मेरा X का वैल्यू हाँ पे क्या होगा आर के बराबर होगा दिस विल बी रिटर्न एस क्यू अपॉन अपॉन टू पायसोलॉन वन इंटू वट आर आई होप के शायद तुम्हें समझ में आओ भाई ठीक है सिमिलरली मुझे क्या है ना इन दोनों के बीच में जो जहां पर मैंने जो सेकंड इलेक्ट्रिक प्लेस किया कि जिसकी परमिटिविटी एप्सोन टू है इन दोनों के बीच में अगर मुझे मैक्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए होगी तो मुझे कहां पर मिलेगीर वन पे मिलेगी या आठ रू पे मिलेगी और बीस में मुझे आर वन पे मिलेगी और इन दोनों के केस में अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड तो आर वन तो पे और मिनिमम चाहिए तो आठ रू पे सिमिलरली इन दोनों के बीच में मिनिमम कहा कि मिनिमम आएगीर वन पे आएगी?

इस तरीके से तो मेरे पास देखिए आ E2 आ गया, गया, तो मुझे खुद बताइएगा चाहिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए कैसा चाहिए मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड इंटेंसिटी चाहिए अगर आप उसको थोड़ा सोचोगे तो देखो कंडक्टर के सर्पस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो आपकी शीत होगी शीत सबसे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है। क्या बोल रहा हूं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जैसे जैसे आप कंडक्टर के सर्पे से आगे जाओगे जैसे जैसे आप उस कंडक्टर के सरपे से आगे जाओगे, जाओगे यहां पे कहीं कहीं पर भी जाओगे किसी भी पॉइंट पे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती जाएगी कम कम होती जाएगी इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मैक्स विल भी ग्रेटर मैक्स मैक्स विल ग्रेटर मतलब क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं मैक्स इज ग्रेटर मैक्स विच इज ग्रेटर e3 मैथ्स क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल भाई डेफिनेटली आई कैन राइट इट क्यों क्योंकि मुझे पता है भाई इन दोनों के बीच में जो डायरेक्टिक मैंने प्लेस किया है डायरेक्टिक प्लेस करने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ सकती है वो कहां से आ सकती है आर आर के वैल्यू से आ सकती है कहां से आ सकती है आर के वैल्यू से आ सकती है तो मैंने बोला कि आर के वैल्यू अगर मिनिमम होगा मतलब वही एक्स का वैल्यू अगर मिनिमम होगा तो मिनिमम होगा तो मुझे ई मैक्सिमम मिल जाएगा और एक्स के वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो मुझे ई कैसे मिलेगा मिनिमम मिलेगा तो मैंने बोला कि मेरे पास ई वाली कंडीशन आ रही है कैसी ई वन मैक्स ई टू मैक्स ई थ्री मैक्स ये वाली कंडीशन आ रही है देखिए इस कंडीशन के रेस्पॉन्ड अगर मैं उसकी एक्सप्रेशन अगर यहाँ पे पुट कर दू

कॉमन फैक्टर में लेके ले आ सकता हूं, एक, मतलब आ सकता हूं से। एक बात को पता चलेगी टू मैक्स मैक्स ऑल दिस थ्री आर नॉट इक्वल क्योंकि को देखने के लिए मिल रहा है कंडक्टर के सर्विस में ज्यादा मैक्सिम इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसके बाद यहाँ पे होगी उसके बाद यहाँ पे होगी उसके बाद क्या होगी यहाँ पे होगी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपटेन एट वॉट इ

टू एप्सोलॉन थ्री इंटू वॉट आर टू इज क्यू अपॉन टू लिख सकते हो क्या इसमें किसी कोई को दिक्कत आ रही है बिल्कुल नहीं ठीक है क्योंकि सभी तो सेम ही एकदम कॉमन है बस हमने जो टर्म्स है तो सेम ही है तो मैं ऐसा लिख सकता कि अगर ये सेम है तीनों के लिए तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं ऐसा लिख सकता हूं ई वन मैक्स इज इक्वल टू सॉरी ई वन मैक्स इंटू एप्सोलॉन आर वन ई वन मैक्स इंटू वॉट एपसोलॉन वन आर इज इक्वल टू क्योंकि सभी के लिए सेम ही है तो ये आ जाएगा इन एप्सोलॉन टू इंटू वाट आर वन इज इक्वल्स टू ई थ्री मैक्स इंटू एप्सोलॉन थ्री इंटू आट आर टू इस तरीके से मैंने लिख दिया ठीक है भाई अब सपोज अब सपोज बोल रहा हूं मैं सपोज अगर मैं थोड़ा इसके ऊपर अगर गौर करूं तो देखिए यहाँ से कंडीशन मुझे देखने के लिए मिल सकती है क्या कंडीशन आ सकती है आप सोच आप, आप अगर देखोगे तो ये जो केबल का स्ट्रक्चर यहाँ से को क्या देखने के लिए मिल रहा है जो कैपिटल आर ओ क्या है आर टू से बड़ा है R2 क्या है R1 से बड़ा है और R1 क्या है स्मॉल r से बड़ा है इसका मतलब यहाँ से अपने पास जो केस मिल रही है देखने के लिए आर इज लेस देन सॉरी R1 is greater than R, R2 R2. is is greater greater than than R1 and and capital R is greater than what R2. इस तरीके से है अपन को, तो को देखने के लिए मिल रहा है तो आप मुझे खुद बोलेगा अगर ये ऐसा कंडीशन है तो इस कंडीशन को उस कंडीशन को यूज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या ऐसा लिख सकता हूं एक तो मतलब कि अपन को तो यह पता है क्या आर इज लेस देन आर वन ठीक है, है। तो ये वाली कंडीशन आ सकती है. या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इंटू वॉट एप्सुलन ई टू मैक्स इंटू वॉट एप्सुलच इज ग्रेटर देन वॉट ई थ्री मैक्स इंटू वॉट 3 इस तरीके की एक कंडीशन आ सकती है बात समझ में आ रही है इसका मतलब क्या जो आपके पास जो स्मॉल डिस्टेंस होगी ना मतलब कि कंडक्टर के जो सेंटर है कंडक्टर का सेंटर से जो स्मॉल डिस्टेंस होगी ना वही पे अपन को मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए मिलेगी और वैसे उसे मतलब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हो जाएगी कम हो जाएगी और वहां से अपन के पास एक कंडीशन ये भी आ गई उस कंडीशन क्या उस कंडीशन से अपन को ये भी पता चल गया कि भाई जो आपके पास डायलेट्रिक होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मतलब मैक्म ऐसा कोई डायलेक्ट्रिक ऐसा रखना चाहिए मतलब यहां से तो देखा जाए इसका प्रोडक्ट ले प्रोडक्ट से डायरेक्टली मतलब सही से आप बात कर पाओगे मतलब क्या इवन मैक्स इंटू एप्सोलॉन वन और अगर उसका प्रोडक्ट अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा तो उसको क्या र, कहा रख सकते कंडक्टर एकदम सर्प के नजदीक उसको रख सकते हैं मतलब जो पहली लेयर बनने वाली उस पहली लेर में क्या कर सकते हैं क्या कर सकते जो डायलेट्रिक होगा उसको क्या कर सकते हैं वहां पर जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा वो मैक्सिमम होगा और अगर मैक्सिमम होगा तो चल जाएगा लेकिन अगर उसके आगे आगे जाएंगे अपन जैसे जैसे कंडक्टर के सर्पेस से जैसे जैसे आगे, आगे जाएंगे वैसे उसका स्ट्रेस क्या होता जाएगा कम कम होता जाएगा तो चलेगा लेकिन कंडक्टर पर सर्पेस वाकई वो आता भी हो अपने उसके लिए केसेस में देखे ई मार्क्स कंडक्टर के सर्पेस पर ही आता है ठीक है तो इसका मतलब क्या ये जो पूरा अपने जो डिस्कस किया उसका बस एक ही मतलब निकला कि अपन को एक ऐसा डायरेक्ट्रिक मटेरियल चूज करना है कि जिसकी परमिटिविटी और उसका इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अगर मैक्सिमम होगा तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा कंडक्टर के सरफेस के नजदीक रखना पड़ेगा दूसरा डायलेक्ट्रिक और दूसरा डायलेक्ट्रिक जो डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा या कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा डायलेक्ट्रिकल स्ट्रेस नहीं जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड डायलेक्ट्रिक की जो परमिटिव डे होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो जो होगा पहले से कम ही आएगा इसके कंपैरिजन में मतलब इसके कंपैरिजन में ये तो कम ही आएगा तो इसको अपन कहाँ रखेंगे जो सेकंड डायलेक्ट्रिक जो सेकंड अपन डायलेक्ट्रिक जहाँ प्लेस करेंगे उन दोनों के बीच में मतलब क्या यहाँ पे उसको सेकंड डायलेक्ट्रिक को आप रखना है ठीक है और तीसरे को अपन को यहां पे रखना है तीसरे को कहाँ पे अपन को यहाँ पे रखना है बात समझ में आ रही है यहाँ पे उसको अपन को रखना है मतलब इसका मेन जो मतलब अगर मैं जो मैं जो पूरा डिस्कस किया ना कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस का अगर मैं डायरेक्टली बात करूँ तो उसका बस एक ही मतलब है कि आप उसको अपने हिसाब से लिख लीजिएगा द डायलेक्ट्रिक हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस एंड परमिटिविटी इज चूजन टू बी प्लेस नियर द कंडक्टर सरफेस and another dielectric having the product having the less product of dielectric strength and dielectric strength लिख दो या dielectric stress लिख दो जो आपको सही लगे या पोटेंशियल ग्रेडिएंट लिख दो ठीक है तो उसका प्रोडक्ट और परमिटिविटी उसको कहां नेक्स्ट इसमें रखो देखिए भाई आपको यहाँ से कंडीशन देखने के लिए मिल रहे शायद और आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो जो आपके पास केबल का स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से भी आप बता सकते हो आपको क्या कंडीशन देखने के लिए मिल रही है देखिए आपके पास जो कंडीशन आ रही है अगर आप इस केबल को अच्छे से देखो तो देखो आपको क्या मिल रहा है स्मॉल आर इज लेस देन वॉट स्मॉल आर वन स्मॉल आर वन इज लेस देन वाट स्मॉल आर टू एंड दिस आर टू इज लेस देन वट कैपिटल आर इस तरीके से सब सबको देखने के लिए मिल रहा है ठीक है और अगर आप थोड़ा इधर आइएगा तो आपको देखिए एक बात देखने के लिए मिलेगी क्या जो आपके पास जो आर है ना सपोज सपोज बोल रहा हूँ इस आर को सपोज अगर मैं इधर लेके आया होता कहां पे सपोज अगर मैं उसको इधर लेके आया होता यहाँ पे आर ओ पे और इसको सपोज अगर मैंने यहाँ पे लेके आया होता, आर वन पे सपोज तो, अगर मैं उसको यहाँ पे लेके आता आर टू पे तो आपको एक बात देखने के लिए मिलती क्या जिसका क्योंकि क्यू अपन टू पा सब में सब में कॉमन है ठीक है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वो सबसे क्या होता ज्यादा होता है वो से क्या होता है ज्यादा होता है इसका मतलब क्या ये प्रोडक्ट तब भी ज्यादा आ सकता है जब उसका डिनोमिनेटर में क्या है जो छोटा नंबर आ जाए और छोटा नंबर देखिए अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो सब में नंबर तो कॉमन ही है सब में क्या है ए नंबर तो कॉमन ही है और वहां से अपने जो कंडीशन condition... डिराइव किया उस कंडीशन के करस्पॉडिंग अगर मैं बात करूँ सपोज अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे लिख कि स्मॉल आर लेस देन स्मॉल आर वन लेस देन स्मॉल आर टू लेस देन कैपिटल आर तो यहां से जो कंडीशन देखने के लिए मिल रही है उस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो इवन मैक्स आएगा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा किसके कम्पेरिजन में ई टू मैक्स के में और ई थ्री मैक्स के कंपेरिजन में क्यों क्योंकि आप देखिए क्यों में कॉमन है और ये जो आर है आर के सबसे स्मॉल नंबर है तो अगर सबसे स्मॉल नंबर है और डिविजन में तो ऑब्वियसली उसका जो टोटल जो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा ज्यादा होगा वो क्या होगा ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या ये जो प्रोडक्ट आएगा आर के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आएगा कौन सा प्रोडक्ट आएगा E1 max मैक्स इंटू एप्सुलॉन वन दिस विल बी ग्रेटर वाई ग्रेटर एज आई टोल्ड यू राइट नाउ ठीक है उसके बाद E2 max मैक्स इंटू वॉट एप्सुलॉन टू दिस विल बी ग्रेटर देन वॉट ई थ्री मैक्स इंटू वॉट बात समझ में आ गई आपको तो ये आपको यहां से देखने के लिए मिल रहा है अभी ठीक है तो कंडीशन कंडीशन के आपने देखा कि आपको देखने के लिए मिली और दिस कंडीशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस के लिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा द प्रोडक्ट ऑफ डाइ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस एंड परमिटिविटी ऑफ डायलेक्ट्रिक शुड बी मैक्सिमम एंड इफ इट इज मैक्सिमम देन इट शुड बी near नियर द कंडक्टर It इट शुड बी प्लेस्ड नियर what? कंडक्टर surface. इसको लिख लीजिएगा मैं उसको लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं ठीक है मैं लिख देता हूँ यहां the product ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस द प्रोडक्ट ऑफ what? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस एंड Permittivity of dielectric and perme permittivity of dielectric having highest value, having having highest value should be placed, should be placed near the conductor surface, near the what? कंडक्टर सरफेस बात समझ में गई भाई ठीक है ये इस तरीके से होगा आपके पास ठीक है जो इसका प्रोडक्ट होगा इवन मैक्स इन टू एप्सोलॉन वन मैक्सिमम वैल्यू दिस शुड बी प्लेस नियर आर वन के करस्पॉन्डिंग प्लेस करना चाहिए मतलब आर टू पे प्लेस करना चाहिए ठीक uh, uh, <laughs> है था? था आपके पास पूरा का पूरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्टेज कर लेते हैं कि टोटल वोल्टेज अप्लाइड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल वोल्टेज अप्लाइड होगा वो कैसे होगा उसका डेरिवेशन अपन पता कर लेते एंड

उसको उसको अपन अपन बोलते बोलते क्या उसको क्या वोल्टेज वोल्टेज तो देखिए अगर मुझे देखना होगा इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला point, इन दोनों के बीच में अगर मुझे वोल्टेज का डिफरेंस देखना होगा तो मुझे यहाँ की वोल्टेज पता होना जरूरी है सिमिलरली मुझे यहाँ की वोल्टेज पता होना जरूरी है तो मैं क्या कर रहा हूं अगर सपोज मैं, मैं उसको इंटीग्रेट कर लूंगा एक्स इक्वल्स टू स्मॉल आर से एक्स इक्वल टू R1 तक तो मुझे क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुझे क्या मिल जाएगा पोटेंशियल मिल जाएगा उन दोनों पॉइंट के बीच का बात समझ में आ रही है ठीक है सिमिलरली अगर मुझे आर टू के बीच में चाहिए होगा तो आर टू यहां पर इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आएगा दैट विल नथिंग बी वोल्टेज सिमिलरली इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा उसको मैं इसी तरीके से पता कर सकता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं मैं उसको लिख रहा हूं कि वी इक्वल्स टू वट देखिए मैं क्या कर रहा हूं मैं उसको इसी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ और इसी फॉर्म में उसको उसको लिख लिख देता देखिए किस तरीके से होगा तो उसको मैं लिख रहा हूं कि भाई दिस इज नथिंग बट ज नथिंग बट वट एक्स इज इक्वस टू आर टू टू वॉट कैपिटल आर इस तरीके से तो मुझे क्या मिलेगी मुझे क्या मिलेगा इसका वोल्टेज मिलेगा मैं उसका नाम दे देता हूं वी वन इसका वोल्टेज मिलेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं वी टू और इसका वोल्टेज मिलेगा उसका नाम दे रहा हूँ मैं वॉट वी थ्री तो इन सभी का वोल्टेज को अगर मैं एड कर दू तो उसको अगर मैं सपोज ऐसा भी लिख सकता हूं वी इज इक्व टू वट वी वन प्लस वी टू प्लस वॉट वी थ्री इन सबको अगर मैं एड कर दू तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे कैपिटल टोटल वोल्टेज मिल जाएगा वोल्टेज फ्रॉम वॉट दिस पॉइंट टू वॉट दिस इन दोनों के पीछे मुझे वोल्टज मिल जाएगी आई होप शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही तो टोटल कंडक्टर के सर्पस से लेकर शीत तक

और ये कहा पे कहाँ से कहा तक आ जाएगा प्लस कहािंग बट वट दिस इज डी एक्स प्लसरली एक्स इज इको टू आर टू एक्स इज इको वैपिटल आर नथिंग बट क्यू अपॉन टू पाई एक्स एप्सुलॉन इंटू वॉट एक्स इंटू वॉट डी एक्स टाइप से बात समझ में आ गई इस तरीके से बस आपको क्या करना है इंटीग्रेशन लेना और उसमें करनी ये, ये कहा से कहा होगा स्मॉल आर से स्मॉल आर वन तक होगा प्लस क्यू अपॉन टू पाई क्यू अपॉन टू पाए एप्सुलट एल एन ऑफ एलेन ऑफ वॉट एलेन ऑफ एक्स और ये आ जाएगा R1 से R2 के बीच में प्लस ये आ जाएगा क्यू अपॉन टू पाएसुलट एलियन ऑफ एक्स और ये आ जाएगा आपके पास आर टू से कैपिटल आर तक आ जाएगा बात समझ में आ गई इस तरीके से ठीक है अगर आपको समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ वी इज इक्वल्स टू वॉट वी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन

टू फायन क्यू अपन टू फायन एलन ऑफ कैपिटल इस तरीके सेल्टेज हुई दिस इज नट वोटल वोल्टेज हुई मेरी समझ में आई ठीक है इस तरीके से अब अगर उसको मुझे थोड़ा सपोज अगर इस मॉडी एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करूं तो देखिए मैं इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता हूं बेटा इसके पहले जो आपने डिस्कस किया था ना कि मतलब इस ये वाले पॉइंट में अगर आप थोड़ा उसको अच्छे से देखो तो यहां पर आपने देखा होगा जो ई मैक्स वन का जो वैल्यू मैंने पता किया था देखिए ई e मैक्स वन मैंने कहां पर पता किया था अगर आप देखो तो ई मैक्स वन जो मैंने ई वन पता किया था

इन आर टू इन टू वट एल एन ऑफ कैपिटल थोड़ा और अच्छे से देखो देखिए आपको क्या देखने को मिल ये क्या है? के आ रहा है और यह क्या नजर आ रहा है आपको दिस इज नट वॉट सॉरी ये नहीं आएगा उसमें ये यहाँ पे आ जाएगा ठीक है इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा दिस इज नथिंग बट वट ई टू मैक्स दिस इज नथिंग बट वट ई टू मैक्स एंड दिस वन इज नथिंग बट वट दिस वन इज नथिंग बट वट दिस इ थ्री मैक्स ये क्या रहा है आपके पास ई थ्री मैक्स की तरह आ रहा है ठीक है इस तरीके से था भाई

ठीक है सो दिस इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टर्म इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ठीक है सो दिस दिस ऑल अबाउट पर्टिकुलर वन नाउ इन द द नाउ वी वी विल विल डिस्कस डिस्कस केस टू इन अबाउट अगर मुझे हर एक जगह पे अगर सपोज सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए हर एक जगह अगर मुझे सेम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी चाहिए तो उसके लिए क्या, क्या कंडीशन आ सकती है आप आर आर वन आर टू तो, आर थ्री करस्पॉन्डिंग टू एफ्सोलॉन वन एफ्सोन टू एफ्सोलॉन टू थ्री इसकी करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन आएगी उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे ठीक है